भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई 40,263, मृतकों की संख्या 1,006, 10,887 लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी, 24 घंटे में 2,487 नए मामले आए और 83 की मौत हुई। 24 घंटे में भारत में औसतन हर घंटे 3 कोरोना मरीजों की हुई मौत, हर घंटे औसतन 110 संक्रमण के नए मामले आए, 4 दिन में 10,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले और 300 मौत। देशभर में सेनाओं की तरफ से किया जा रहा है कोरोना वायरस का सम्मान, पूरे देश में तीनों सेनाओं के जवान कोरोना योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं, फूलों की बारिश और संगीत बजाकर वायरस को सलाम किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में रंगीन रोशनी में नहाकर युद्ध पोतों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, कहीं हरी तो कहीं सफेद रोशनी में नहाए युद्ध पोत। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास भारतीय नौसेना ने जहाज की आउटलाइन बनाकर कोरोना वॉरियर्स का किया इस्तकबाल, कई युद्ध पोत पर केवल दिखी जहाज की धारियां। सुखोई ने मुंबई के आसमान पर कोरोना वायरस के सम्मान में भरी उड़ान, KEM अस्पताल के ऊपर से गुजरा और फूल बरसाकर योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। कोरोना वॉरियर्स का आभार जताने के लिए जब भारतीय वायुसेना के चॉपर फ्लाईपास्ट कर रहे थे, उस दौरान लोगों का शोर बता रहा है कि उनमें भी इसे लेकर खासा उत्साह है। ग्वालियर में भारतीय सेना ने कोरोना की लड़ाई में दिन रात लगे पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया, पुलिस ने भी सेना के सम्मान में तालियां बजाई। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान में फूल और पंखुड़िया बरसाकर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अस्पतालों पर की फूलों की बारिश, INHS अश्विनी के कर्मचारियों को सलाम। गुजरात के गांधीनगर कोरोना वॉरियर्स को सेना ने आसमान से सलाम किया। इस मौके पर COVID-19 के मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने सेना की इस पहल का हाथ दिखाकर अभिनंदन किया। शिलांग में सेना ने की फूलों की बारिश, आर्म फोर्स की पहल का भी स्वागत, बेहतरीन पहल बताया। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वायुसेना सड़क पर उतरी और बैंड बजाकर कोरोना योद्धाओं को किया सलाम। जम्मू में सेना ने कोरोना योद्धाओं को सलाम किया, फूलों की बारिश करके सम्मानित किया। रांची में भी कोरोना वॉरियर्स को एयर सल्यूट, डॉक्टर और नर्स का हौसला बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। कर्नाटक के बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर बैंड बजाकर किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में भी आयोजित किए गए कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और दूसरे योद्धाओं पर किया ट्वीट, लिखा, उनके सम्मान का दृश्य दिल को छू लेने वाला, उनकी लड़ाई वंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट से हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि, लिखा, उनकी शहादत और बहादुरी नहीं भूलेगा देश, देश के लोगों की रक्षा के लिए करते रहे काम, परिवार वालों और दोस्तों को सांत्वना। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, बुलंदशहर के शहीद कर्नल आशुतोष के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा। हंदवाड़ा मुठभेड़ में 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा टीम की अगुवाई कर रहे थे। कर्नल आशुतोष कई आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा रह चुके थे, पिछले साल ही दूसरी बार सेना मेडल मिला था। कर्नल आशुतोष शर्मा इलाहाबाद के रहने वाले थे। लॉकडाउन 3 में दिल्ली में भी कई छूट, 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे निजी दफ्तर, जरूरी सामान बनाने वाली फैक्ट्री चलेगी, इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी होगा काम, कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, IT कॉल सेंटर करेंगे काम। लॉकडाउन में केंद्र के आदेश के मुताबिक चलेगी दिल्ली, 4-व्हीलर पर चल सकेंगे केवल 2 लोग, 2-व्हीलर पर 1 आदमी, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर रोक, शिक्षण संस्थान, धार्मिक कार्यक्रमों। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगी शराब, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानें, शर्त है कि शराब दुकानें ऐसे मार्केट में नहीं हो जहां दूसरी दुकानें भी हों, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। दिल्ली के काप सहेड़ा में 17 और लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, शनिवार को 41 पॉजिटिव मिलाकर एक ही घर में मिले 58 कोरोना संक्रमित, सभी एक ही टॉयलेट का करते थे इस्तेमाल। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास तैनात BSF के 31 जवान पाए गए पॉजिटिव, 5 की जांच का रिजल्ट आना जरूरी। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स पर सैलरी कटौती की मार, कई प्राइवेट अस्पतालों ने डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ और कर्मचारियों की सैलरी में की कटौती, सबसे पुराने सेंट स्टीफन अस्पताल में 10% से लेकर 40% तक कटौती।
दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके से जल्द हटाई जाएगी सीलिंग। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद इलाके को सील करके हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन किया गया था घोषित। 28 दिन से नहीं आया कोई नया मामला। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार और उसके ऊपर रैंक के अधिकारी सोमवार से आएंगे दफ्तर। बरती जाएगी सामाजिक दूरी और सरकारी दिशा निर्देशों का रखा जाएगा ध्यान। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से सीआरपीएफ मुख्यालय सील कर दिया गया है। हेडक्वार्टर में तैनात एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सील की गई इमारत। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। मरीजों की कुल संख्या हुई 55। शहर में 10 लोगों की हो चुकी है मौत। सीएम योगी ने लॉकडाउन पार्ट 3 में उद्योग धंधों के लिए कार्य योजना बनाए जाने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिए जारी की जाए एडवाइजरी। 15 लाख कामगारों और मजदूरों के लिए नौकरियों की व्यवस्था कराने के भी निर्देश। सीएम योगी ने कहा राजस्व में कमी के बावजूद सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को दिया वेतन। 12 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय से पहले कराया पेंशन का भुगतान। यूपी में सोमवार से पूरे ऑरेंज और ग्रीन जोन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मिलेगी शराब। कानपुर में 11 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। 3 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव। जिले में अब तक कोरोना के 232 मरीज। गौतम बुद्ध नगर जिले के शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 7 और कोरोना के मरीजों को ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज। 101 हुए ठीक। 66 मामले अब भी एक्टिव जिनमें से 8 मामले रविवार को मिले। कानपुर में 3 साल की मासूम कोरोना संक्रमित ने अस्पताल में किया डांस। अबोध बच्ची को नहीं है बीमारी का पता। काशीराम ट्रॉमा सेंटर में है भर्ती। यूपी के फर्रुखाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के घर पर लटकते हैं हजारों चमगादड़। चमगादड़ और इंसानों में समानता होने की वजह से कोरोना ने लिया है विकराल रूप। वायरस के तेजी से फैलने की आशंका। भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ में आरती शुरू। रावल भीमा शंकर भी पहुंचे। महाराष्ट्र से आने के बाद 14 दिन के लिए थे होम क्वारंटीन। छत्तीसगढ़ में सोमवार से खुलेंगी शराब की दुकानें। सरकार ने दी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ध्यान। दुकानों के आगे की गई बैरिकेडिंग। नहीं थम रही अवैध रूप से पलायन की घटनाएं। ग्वालियर में पकड़े गए ट्रक में छिपकर जा रहे 20 लोग। छतरपुर और यूपी जा रहे थे सभी। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 2832। आज 60 नए मामले आए सामने। अब तक 71 लोगों की मौत। अपने जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वॉरियर्स के काम को बताया शानदार। कहा कोरोना से लड़ाई जीतना है पहली प्राथमिकता। विरोधियों को दी साथ देने की नसीहत। कोरोना से 10,000 करोड़ का हुआ नुकसान। मई के आखिरी हफ्ते से शुरू किए जा सकते हैं लॉकडाउन के कारण बंद देश के स्पोर्ट्स कैंप। खेल मंत्री किरण रिजिजू का बयान। ओलंपिक्स और दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के कैंप लॉकडाउन के कारण बंद किए गए हैं। सोमवार से बैंकों से पैसे निकालने के लिए नए नियम जारी। 11 मई तक खाते के आखिरी नंबर और तय दिन के हिसाब से निकाल पाएंगे पैसे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर ममता बनर्जी का वार। महामारी के वक्त सत्ता हड़पने की कोशिश का आरोप। बीजेपी ने कहा ममता कोरोना से लड़ें केंद्र से नहीं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का बयान। बालाजी मंदिर से नहीं हटाए गए 1300 सफाई कर्मचारी। पुराने ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल को खत्म हो गया। फिर भी लॉकडाउन के कारण 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है कॉन्ट्रैक्ट। जारी किए जाएंगे नए टेंडर। चीन में कोरोना के 14 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। संक्रमितों की संख्या 82,000 से ऊपर हुई। चीन में 4,630 लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान। अगर कोरोना से मेरी मौत हो जाती तो देश में की जा चुकी थी वैकल्पिक व्यवस्था। एक वक्त जीवन और मौत का चांस 50-50 था। जीवन बचाने वाले डॉक्टर निकोलस के नाम पर रखा बेटी का नाम विल्फ्रेड लॉरी निकोलस। जापान के नोबेल विजेता डॉक्टर तासुकी होंजो का बयान। कोरोना वायरस चीन के वुहान की लैब में तैयार किया गया वाली खबर अफवाह। मेरा इससे कोई संबंध नहीं। चीन की लैब में 4 साल नहीं किया काम। पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव मामले हुए 19,000 के पार। 440 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। 24 घंटे में 989 नए मरीज आए और 23 की हुई मौत। करीब 5,000 हो चुके हैं ठीक। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बयान। हमारे पास काफी सबूत कि चीन के वुहान लैब से आया कोरोना वायरस, मगर जानबूझकर छोड़ा गया कोरोना वायरस या गलती से छूटा, इस पर सादी चुप्पी।